मौसम का फायदा उठाते हुए आपका अपना मोटो जॉकी विराट जिला। और मेरे सामने मंदिर है, मंदिर के ऊपर वो मूर्ति है जिस मूर्ति की वजह से अपने आप को नहीं काटो बेटा, अपने आप को नहीं काटना है। खुद ही नहीं काट रहा मैं, क्या करूं देख। सुबह के 7:30-8 कुछ बज रहे हैं, मस्त एकदम, ठीक है। और आज अपन जा रहे हैं, आज अपन अकेले नहीं जा रहे, पूरा परिवार साथ में जा रहा है, लेकिन मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊंगा। ऐसे मजाक मत क्या कर यार। लेकिन जहाँ जहाँ हो सकेगा मैं वहाँ में ब्लॉग करूँगा, और बहुत बढ़िया वाला ब्लॉग होने वाला है। आज का ब्लॉग बड़ी धार्मिक होने वाला है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो अपने माँ बाप के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। चलो अपन चलते हैं। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए नए फ्रेश ताज़ा मोटो ब्लॉग में। और आज के इस मोटो ब्लॉग में हम जा रहे हैं थोड़े सा मंदिर वगैरह, मतलब थंबनेल टाइटल से पता चल ही गया होगा ना कि जा कर रहे हैं अपन। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ठीक है। तो अपन बढ़िया वाला आज जा रहे हैं, और शायद अच्छी से वो जो जगह है मैं उसको दिखा पाऊँ तो अच्छी बात है। वैसे फिर से इंदौर की सड़कों में निकल चुके हैं और राजवाड़ा वगैरह मैंने क्रॉस कर। की बात यह है कि अभी 8:30-9 बज रही है शायद कुछ, और अभी तक धूप वगैरह नहीं निकली है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारा माउंट है वो हमारे इस हेलमेट पर लगा हुआ है, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब ये अब ये जुगाड़ सेटअप नहीं, पक्का प्योर मतलब मस्त वाला ठोस वाला सेटअप करा अपन ने, ठीक है। इसे पहले भी एक बार मैंने इसमें हेलमेट में एमसील लगा करके करा था, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि वो एमसील मतलब सूखा ही नहीं, पता नहीं वो एमसील में शायद कोई दिक्कत थी, तो मुझे वापस से तोड़ के वापस से करना पड़ा। ये क्या बात करता है यार। ये दूसरी बार मैंने लगाया हुआ है, अगर आपको उसमें दिखे तो पता नहीं, ठीक है। ये वाइट कलर का, इसको मैं घर जाके ऐसा मस्त एकदम पॉलिश कर देंगे अपन, ऐसा पेंट वेंट कर देंगे चकाचक वाला, ताकि बढ़िया दिखे साथ में। उड़ के जा भाई, तू जा। ओ दूध वाले भैया, ओ वाह 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 चचा, वाह वाह, क्या बात। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं कोई मंदिर का ब्लॉग बना रहा है, हालांकि मैं मंदिर तो बहुत बार जा चुका हूँ बहुत सारे, लेकिन ये वाला मंदिर तो मैं पहली बार जा रहा हूँ। मौसम का फायदा उठाते हुए आपका अपना मोटो जॉकी विराट जिला हाजिर है। बड़े जल्दी पहुंच गए अपन, नहीं मतलब अभी तो निकले थे घर से तो पहुंच भी गए, पास में ही था ना इसलिए बहुत ज्यादा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पहुंच चुके हैं हमारी जगह पर, और दो रास्ते यहां से ऊपर जाने के, मंदिर वहां ऊपर है, तो दो रास्ते यहां से जाने के। सबसे पहला रास्ता है ये वाला जो मैं ले रहा हूं, और दूसरा वहां से सीढ़ी का। तो उतर जाते वक्त यहां चल रहे थे, उतरते वक्त वहां से चल लेंगे। मस्त प्लान है, यहां से हर जगह पेड़ ही पेड़ है, और शायद यहाँ ऊपर अपन गाड़ी ला सकते होंगे। एक पीछे बंदा है वो भी गाड़ी लेके आया था ऊपर, पता नहीं यहाँ गाड़ी ला सकते कि नहीं ला सकते, वो मुझे तो नहीं पता गाड़ी ला सकते। अब देखते हैं कैसा भी सीन रहता आगे। आखिरकार काफ़ी लंबी चढ़ाई के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं, और मेरे सामने मंदिर है, मंदिर के ऊपर वो मूर्ति है जिस मूर्ति की वजह से ये मतलब ये जो है ना ये मूर्ति की काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी इंदौर के लिए। तो ये रही मूर्ति भाई साहब, मतलब बड़ी है, मतलब नॉर्मल मूर्तियों से तो काफ़ी बड़ी है, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मूर्ति है ये शायद। तो यहाँ पर भी ना ऐसे पिलर्स में ऐसा मस्त एकदम बहुत बढ़िया वाला आर्ट बना हुआ है, मतलब बहुत सुंदर दिखता है, हर पिलर में बना हुआ है ये ऐसे, और ये अंदर तक गड़े में पूरे इधर, ये सेम ऐसी ये सामने वाली दीवार है ना, यहाँ पर भी बने हुए हैं। रामायण के बहुत सारे सीन वगैरह है जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब बहुत सही लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। जब अपना लॉकडाउन लगा था ना उसके पहले ये मूर्ति वगैरह बन गई थी, अपन यहाँ पर आ नहीं पाए थे क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आ पाए थे, कोई याद नहीं, लेकिन यहाँ पे आ नहीं पाए थे। इसकी स्थापना बहुत बड़ी रूप से हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे पर अपन नहीं आ पाए थे। बाकी वैसे मूर्ति आप देख रही होगी पीछे, लेकिन यहाँ ऊपर जाने आने का मना कर रहे हैं,
पता नहीं क्यों क्या सीन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद कोरोना का सीन होगा। ऐसा बोल रहे कि थोड़े टाइम बाद ही वापस से चालू होगा यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, और कुछ 1.5 लाख 2 लाख दीपक से इसका चालू या जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह लगा के रखे हुए, और यहाँ का सीन भी सही है। मतलब आप जब ऐसे यहाँ से अंदर आएंगे ना तो ऐसा नेचर वाला फील आएगा आपको, जो बहुत बढ़िया है। और उधर साइड भजन वगैरह कीर्तन वगैरह हो रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी सही सीन, आपको ऐसा जंगलों वाली फील दिलाता है यहाँ पे इनका जो है, यहाँ पे जंगलों वाली फील दिलाता है जो भी यहाँ पे है थोड़ा थोड़ा सा, और मतलब अच्छा लगता है ऐसा। और मंदिर में आके सब कोई सुकून पीस वगैरह तो मिलता ही है, लेकिन वो मंदिर ऊपर से अगर दिखाने दे मेरे को तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ और मुझे भी देखने को मिले। ऐसा बोल रहे कि नॉर्मल डेज पे ना बहुत ज़्यादा लोग आते थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लंबी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अभी कोरोना की वजह से कोई भी नहीं आता यहाँ पे। और वैसे भी सुबह के 8-9 बज रहे हैं, 9 बज रहे होंगे, 9:30-9:10, ठीक है, तो अभी वैसे भी कोई भी नहीं है। और इधर साइड मूर्ति है मेरी, ये ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छी है, ठीक है। आगे सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मैं मज़े में आके एक एक स्टेप चढ़ रहा था, पता चला नहीं नहीं एक सीढ़ी पे दो दो स्टेप देना चाहिए। मेरे को थोड़ी पता था कि गाड़ी ला सकते हैं, फिर अपन ने अपनी रामपेरी बाहर पार्क कर दी थी, खैर कोई नहीं, और अपन यहाँ से चलते हैं। यहाँ एकदम रावण वगैरह जल गया है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी जगह देखा रावण वगैरह, कोई सीन नहीं मिला, कोई जगह रावण नहीं है, हर जगह बेचने के लिए रावण है। रावण ना बेचने के लिए, मतलब कि जलाने के लिए कोई रावण नहीं है। बहुत सारी जगह देखा करा घूमा, पता नहीं कुछ मिला नहीं, मतलब ऐसे रावण जलाना नहीं चाहिए, पॉल्यूशन होता है, लेकिन वो माना जाता है तो फिर जलाना ज़रूरी भी है। छोटा था तब मेरे को काफ़ी मज़ा आता था सर रावण वगैरह देखने में, जब छोटा था, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था तब मज़ा आता था। फिर उसके बाद तो रावण वगैरह देखना बंद कर दिया था, क्योंकि आपको पता है ना पॉल्यूशन वगैरह फैलता है ऐसा वैसा, पर मज़ा आता है देखने में। देखो सबको फटाके फोड़ने में सब करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपको पता है ना कि इन्वायरमेंट के लिए बेकार होता है। तो क्या यार, आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करते हो यहाँ तक देखने वाला आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती है तो लाइक वाला बटन दबा सकते हो, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक मार सकते हो, और कमेंट करके अपनी जो भी राय हो वीडियो के बारे में आप दे सकते हो। नहीं भी राय देना चाहो तो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कमेंट मार देना, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों का, जिनको आपको वीडियो दिखानी हो या फिर आपको ज़्यादा पसंद आ गई तो शेयर कर सकते हो ग्रुप्स में, वीडियोस आंटी भाभी बाबू समझ रहा हूँ तो भेज देते, ठीक है। तो चैनल में नए नए आओ, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ दूसरी वीडियोस भी चेकआउट करना, ठीक है। चलो मैं भी जा रहा हूँ, बाय। दो बार बोल दिया, बाय।